तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं मेरी हर वीडियो में ये तो ज़रूर कहता हूँ कि इंग्लिश इज़ अ गेम ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश जो है वो लफ्ज़ों की गेम है। जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा अल्फाज होते हैं वो इंग्लिश को उतना ही ज़्यादा बोल पाता है। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी। ओके, फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू फाइव इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो दोस्तों, हमारा जो वर्ड है वो है गेमी। ओके, गेमी वर्ड्स के साथ हम कुछ और अल्फाज बनाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। दोस्तों, वो सारे अल्फाज आप अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गेमी जो है रिलेटेड मैरिज, गेमी जो है वो शादी से रिलेटेड वर्ड है। आप जब भी किसी भी बुक में वर्ड गेमी देखें तो समझ जाएं कि इस वर्ड का जो कनेक्शन है ना वो शादी से होगा। ओके, जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गेमी से हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है वो है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब है वन मैरिज, ऐसा बंदा जिसकी एक शादी हो उसको हम कहेंगे मोनोगेमी। दोस्तों, हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है बिगेमी। बिगेमी का मतलब है ट्रू मैरिज, ऐसा बंदा जिसकी दो शादियां की हुई हो। दोस्तों, हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब है मैनी मैरिज, ऐसा बंदा जिसकी ज़्यादा शादियां की हुई हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीगेमी। ओके, दोस्तों, हमारा जो फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है वो है मेजोगेमी। मेजोगेमी का मतलब है हेट ऑफ मैरिज, मतलब कि ऐसा बंदा जिसको शादी से नफरत हो तो उसको हम कहेंगे मेजोगेमी। मुझे नहीं लगता कि आजकल के नौजवानों में कोई मेजोगेमी हो। दोस्तों, हमारा जो फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है वो है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब है मैरिज विद इन ट्राइब, ऐसा बंदा जिसकी शादी अपने कबीले में की हुई हो या अपनी कास्ट में की हुई हो तो उसी हम कहेंगे एंडोगेमी। अक्सर जो हमारे पास जो रवायज है वो है हम अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं तो उसे कहते हैं एंडोगेमी। दोस्तों, हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी का मतलब है मैरिज आउटसाइड ऑफ ट्राइब, मतलब कि ऐसा बंदा जिसकी किसी और कम्युनिटी में शादी की हुई हो तो उसे हम कहेंगे एक्सोगेमी। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान, थैंक यू।